बावत्रा में FRT संविदा कर्मी की करंट लगने से मौत के मामले में पुलिस की समझाइश व हर संभव मदद व उचित न्याय का भरोसा देने पर उठाया शव। बावत्रा ग्राम में विद्युत टावर पोल पर जंपर ठीक करते समय करंट लगने से FRT संविदा कर्मी की मौत के मामले में पुलिस की समझाइश के बाद बुधवार को परिजन शव उठाने पर सहमत हो गए। आपको बता दें कि उपकरण क्षेत्र के बावत्रा निवासी पक्काराम उर्फ प्रकाश सरगरा उम्र 28 साल FRT में संविदा कर्मी लगा हुआ था, जो मंगलवार को बावत्रा मुख्य चौराहे पर पावर खंभे पर बिजली फॉल्ट होने पर विद्युत घर बावत्रा से शटडाउन लेकर फॉल्ट निकालने का प्रयास के लिए टावर पोल पर चढ़कर विद्युत आपूर्ति को सुचारू करवाने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान इस टावर पर पोल पर फॉल्ट निकाल रहे युवक को करंट लग गया व इलाज के लिए ले जाते समय मौत हो गई थी। मामले को लेकर परिजन व समाज के लोग मामले में उचित न्याय की मांग को लेकर बुधवार को थाने के आगे बैठकर शव उठाने और PM करवाने से इनकार कर दिया, जिस पर सायला थानाधिकारी प्रदीप डांगा द्वारा समझाइश की गई व उचित मुआवजा व न्याय देने के आश्वासन पर परिजन सहमत हो गए व शव का PM करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सुनील जी को फोन किया था, सुनील जी कहा कि भाई कि मैं लाइट काट रहा हूँ दूसरे पोल पे और लाइट के अनुसार मैं कर रहा हूँ काम, ठीक है। पता ने बोला कि भाई आप लाइट काटो पूरी पूरी, तो उन्हें बोला कि भाई मैं लाइट काट ली पका दूसरे, ठीक है। तो उन्होंने वापस फोन करके पूछा कि भाई के पका दूसरता है तो महेंद्र सिंह के ऊपर भरोसा मत कर, ठीक है। तो महेंद्र सिंह कौन है, उसको पैसा था नहीं, और सड़क एक तार को रिपेयरिंग इन्होंने किया था, दूसरे तार के अंदर हाथ लगाए तो उन्हें करंट आया। तो मैंने मेरा कहना ये है, मेरा कहना नहीं पूरे समाज का कहना है कि उन्होंने तार पे एक तार को रिक्वेस्ट किया और दूसरे तार को रिक्वेस्ट किया तो उसने करंट जल दिया, ठीक है साहब। मेरा कहना धन्यवाद। अभी आपकी क्या मांग है, आपकी क्या मांग है? ये सब उनको होना चाहिए, सब न्याय होना चाहिए। सर आपका धन्यवाद बहुत बहुत।